ये भैया खासियत अपनी दुकान की ना भाई, छोले कुलचे ना जिंदगी में आपने बहुत तरह के खाए होंगे, बहुत पसंद भी होंगे आपको छोले कुलचे, पर दिल्ली में जिस जगह लेके आए हो ना, यहाँ के छोले कुलचे सबसे अलग हैं। ऐसे छोले कुलचे ना आपने कहीं देखे होंगे ना खाए होंगे। और भाई ऐसी दुकान है कि छोले से ज्यादा ना लोग चटनी पैक करवा के लेके जाते हैं कि भैया चटनी और दो, चटनी और दो, चटनी और दो। तो यार सारा आपको सेटअप दिखाता हूँ अंदर से। अभी भैया ने दुकान खोली और कस्टमर्स का आना शुरू हो चुका है। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। थैंक यू भैया, आपने अपना टाइम दिया। कोई बात नहीं, काफी आपका बिजी शेड्यूल है, ग्राहक आपकी वेट कर रहे हैं, आप बना रहे हैं छोले लगातार। नाम क्या सर आपका? दाताराम। आप ही के नाम से दुकान है? जी सर। बहुत ही बढ़िया सर, काफी नाम है सर इस साइड दिल्ली में, शालीमार एरिया में हम आए हैं। सामने सेटअप देखो यार, सामने भिगोना, पूरे छोले भरे हुए हैं, यहाँ पे टमाटर, प्याज, धनिया, बहुत सारा सामान पड़ा है। ये भाई पहली बोल पे छक्के वाली बात हो गई है, सर छोले बना के दिखा रहे हैं। ये सुबह सर कितने बजे शुरू करते हो आप तैयारी? सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे उठ जाते हैं। अच्छा, तैयारी जो है दुकान की सुबह 5 बजे शुरू हो जाती है और दुकान ग्राहकों के लिए खुलती है 10 बजे। ये प्याज आ गए, टमाटर आ गया, हरा धनिया, ये कितनी प्लेट बना रहे हो सर आप? 8-10 प्लेट बन जाती है। 8-10 प्लेट। और भाई ये नहीं है कि एक ही बार में लगती है, 10-10 मिनट के बाद ना ऐसे बैचेस लगते रहते हैं। ये मसाले आ गए सर अपने? आ गए। काली मिर्च आ गई है, छोले का मसाला लग रहा है, और साथ में आया जी नमक। वाह, ये किस चीज़ की चटनी है सर? ये अदरक धनिया पुदीना, हर चीज़ हम इसमें पीस देते हैं जो हमारे पास होता। अच्छा, अदरक धनिया पुदीना की चटनी है। और भाई लुक देखो आप, एकदम रस्मी से छोले हो गए हैं। छोले कुलचे जो है ना वो अधूरे रहते हैं हमेशा खटास के बिना। नींबू आ रहा है छोले कुलचे के बीच में। एक भैया और मैंने चीज़ सुनी है लोगों से कि जैसे नींबू जितना मर्जी महंगा हो जाए, आप कभी बंद नहीं करते? मैं कभी बंद नहीं करता, पूरा खुला डलता है नींबू अपने छोले में। बहुत से निचोड़ कर रख लेते हैं, मैं निचोड़ कर भी नहीं रखता। अच्छा, सामने निचोड़ के डलना है, पूरा डलेगा ऐसे ही। क्या बात है। और ये छोले चेक करिए यार, छोले खुद ही बता रहे हैं किस क्वालिटी के, बढ़िया माल लग रहा है एकदम देखने में। पर जो भैया लोग यहाँ पे खाने आ रहे हैं वो हर कोई एक ही बात बोल रहा है कि आपने ऐसे छोले कुलचे नहीं खाए होंगे। छोले तैयार है भैया? हाँ जी, रेडी है सब कुछ। छोले एकदम रेडी है, भैया ने बढ़िया मैश करके रहो, देखो यार एकदम रस्मी से छोले हैं। भैया एक बार वो चटनी तो दिखाइए। बिल्कुल दिखाते हैं वाली। अब जो चटनी है ना यार, उसके दीदार करो आप। ये देखो भाई, ये एक तरह से ना फ्रूट कॉकटेल बोल लो आप, वो चीज़ है कि पूरा भर भर के ऊपर ऊपर दिखाई देगा। ये भारी, ये पूरा ऐसे ही मिलेगा नीचे तक, मतलब रूह तक फ्रूट है, ये भी ऊपर ऊपर ही है, आत्मा तक गया हुआ फ्रूट, आत्मा तक गया हुआ है। देखो ना, अन्य पर चटनी नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल। और ये वैसे चटनी किस चीज़ की रहती है भैया? ये अमचूर की, अमचूर चीनी, अमचूर और चीनी की चटनी। भैया थोड़े फ्रूट्स वगैरह जैसे आप बनाते हैं, थोड़ा बना के दिखाइए इसको। अच्छा भैया बताइए, शुरू से आप ऐसी चटनी दे रहे हैं? शुरू से ही, मतलब जो भी रिसेंट टाइम में देख रहा हूँ लोग आजकल ये चटनी देना शुरू कर दे हैं, वो कॉपी करके हुआ है? कॉपी। उन्हें भी यही नहीं पता मसाले इसमें कौन से डालते हैं। क्या बात है भाई, लोगों को मसाले नहीं पता। और यहाँ पर देखो जलवा, पहले ग्रेप्स आए, अनार आए, और ये आगे भाई केले। अब एक साइड देखो भाई तीखा, करारे करारे छोले, और साथ में मीठी चटनी, जो कॉम्बिनेशन होने वाला है बहुत कमाल का। ये भैया कैसे आपने सोचा कि ये फ्रूट वाली चटनी दी जाए छोले के साथ? ये भैया हमारे बड़े भाई गए थे पार्टी में, ठीक है, साथ में, तो वहाँ बनती देखी थी उन्होंने। अच्छा, बहुत पहले की बात, तो उन्होंने दिमाग में बिठा लिया कि ये चीज़ करनी है, देखने में ही बस दिमाग में बिठा लिया बड़े भाई। क्या बात है। अब ये देखो भाई, ये प्याज आ गए, बारीक कटे हुए प्याज है, और उधर भैया लगातार केले डाल रहे हैं भाई चटनी में। अब जितने भी कस्टमर्स यहाँ पे आ रहे हैं ना पैकिंग करवा रहे हैं, उनकी एक ही डिमांड है कि भैया चटनी थोड़ी और डालना। और एक भैया की भी तारीफ है, इनका हाथ इतना खुला है कि भाई लोग कहते हैं थोड़ी डालना, ये बहुत डाल देते हैं। भैया यहाँ पर लगातार कुलचे गर्म कर रहे हैं, लंबे वाले कुलचे। भैया एक बार चटनी होती है हमारे, इसमें खुद डालते हैं, ये नियम बने बनाए कुछ लाए, खुद की बनी चटनी है भाई, ये नहीं कि बाजार से बनी हुई खरीदी जाए। ये देखो लाई हरी चटनी, ये किस चीज़ की भैया? ये भी धनिया पुदीना हरी मिर्च, दही भी डाला हुआ है ना इसमें, सब कुछ होता है। वाह, चटनी देखो भाई कितनी गाढ़ी है, धार बन रही है चटनी की प्रॉपर। और ये कुलचे छोले के साथ अचार भी जा जाता है, हरी मिर्ची और गाजर का, छोले गर्म होते हैं। वाह, ये जैसे यार लूडो में हम फेंकते ना पासे, वैसे भैया ने मक्खन फेंका उड़ा के तवे के ऊपर। और ये देखो, ये कितनी प्लेट लगा रहे हो सर? 6 प्लेट आई है। हाँ जी, 6 प्लेट, 6 प्लेट लग रही है। और भाई कुलचा देखो आप एक बार पास से, पंजाब साइड ना थोड़े मोटे कुलचे चलते हैं अपने, पर यहाँ पे दिल्ली में पतले पतले कुलचे चलते हैं। हाँ, वो बन टाइप चलता है हमारे वहाँ पे, पर यहाँ पे लंबे लंबे कुलचे चल रहे हैं। दुकान के बाहर ना हर समय जब से मैं आया हूँ भीड़ लगी रहती है ग्राहकों की, ग्राहक रुकते नहीं है। जो प्यार है दाताराम जी के छोले कुलचों का,
वो चलता ही रहता सुबह से लेके शाम तक। सर कितने से कितने बजे तक दुकान खुलती है अपनी? सुबह 10 से 4 बजे। सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक सेवा में हम ग्राहकों की। मतलब दिल्ली में ना काफी जगह मैंने छोले कुलचे खाए हैं, पर जो यहाँ का माहौल है वो डिफरेंट ही है। एक रायते की बहुत तारीफ सुनी भैया, वो भी तो दिखाइए रायता। रायता दिखा दे। दिल्ली में ना अगर छोले कुलचे खाओ तो साथ में रायता चाहिए। सर हमारी भी एक प्लेट लगा के दिखाइए, तसल्ली से लोगों को दिखाते हैं। इतना जो स्वाद है, इतना जो लोग प्यार दे रहे हैं, वो किस लिए दे रहे हैं? 4-6 यहाँ पे जो सीन है ना वो इन्फिनिटी है। अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ अपनी प्लेट की, क्योंकि बैचेस पे बैचेस लगा रहे हैं भैया। भैया इस वाले में लगा दो यार हमारी भी। इस वाले में, इस वाले में पक्का? पक्का। भैया को वेट करवाना पसंद नहीं है, पर भाई ऑर्डर इतने इतने लगातार आ रहे हैं ना कि वो भी क्या करे। अभी ये देखो दोबारा छोले हमारे लिए बनाए जा रहे हैं, तो बहुत ही यार वेट करने के बाद ना ये भैया हमारी प्लेट लगा के दे रहे हैं। छोले आ गए ऊपर, आ गए जी चुकंदर, अदरक, प्याज। अच्छा तड़के के ऊपर दोबारा प्याज से आएंगे साथ। जी जी, ये हरी तो सिंगार है ना इसका? इसका सिंगार है, ये सिंगार है। मतलब दुल्हन तैयार हो रही है अभी। ये आया अभी ऊपर मसाला स्पेशल, और इधर देखो कुलचों का मेला लगा हुआ है पूरा तवा भर के। ये है यहाँ का मेन स्वाद, मेन हाईलाइट चटनी। अब ये प्याज साथ में खीरा, साथ में आ गई ये चटनी। ये देखो भाई अचार अंबी का, गाजर का, और साथ में हरी मिर्ची। ये आया ऊपर नींबू। ये प्लेट की फाइनल लुक चेक करो भाई, क्या कमाल की है। सर कितने की प्लेट है? ये 60 की है, दो वाली, तीन वाली 70 की है। तीन कुलचे लेंगे 70 के, दो कुलचे लोगे भाई 60 रुपए में। स्वाद लेते हैं, आपको बताते हैं कैसा है अभी। भाई माहौल ऐसा है, माइक भूल गया था होटल, वापस नहीं गया। मैं क्या खत्म ना हो जाए ऐसी वीडियो बनाई आज बिना माइक के। ये देखो ये बढ़िया से कुलचे हैं, अमूल मक्खन लगा के, सलाद, अचार, और यार ये चीज़ देखो आप एक बार, केले, अंगूर और ये अनार की चटनी। चटनी वाले छोले कुलचे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ है, और सिर्फ 7 साल पुरानी दुकान है, पर 7 साल में इतना नाम बना लिया ना इन्होंने, क्या वो क्या बताऊँ, लोग दीवाने हैं इसके। अब आओ सबसे पहले डालते हैं छोले, एकदम बढ़िया छोले नींबू वींबू मार के, अब माहौल बनेगा इससे। एकदम गाढ़ी चटनी भाई, क्या खा लिया ये। आपको ना लगेगा थोड़ा ओवर, बट मैं तीसरी बार आया हूँ यहाँ पे इस शहर में। बहुत तरह के छोले कुलचे खाए हैं, वीडियोस ज़्यादा नहीं बनाई छोले कुलचे, और खाए बहुत हैं। ये मेरी लिस्ट पे ना सबसे टॉप पे जो छोले भटूरे अभी तक के दिल्ली में खाए हैं वो है, क्योंकि स्वाद जो है भाई, नज़ारा जो है ना वो इसने ही बांधा है। ओहो गाना सुना, कातिल हसीना, हसीना फेल है, ऐसे ही चीज़ के आगे। ग्राउंड से पवेलियन भेजा भाई ये ग्लास, और ये देखो मतलब क्या ही छोले कुलचे यार। अगर छोले कुलचे से प्यार करते हो ना तो ये आपकी सबसे पक्की 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 मशहूक होने वाली है, वो चीज़ है। तो धोनी यार आईपीएल में ऐसे छक्के नहीं उड़ाता जितने भाई यहाँ पर ना छोले कुलचे की प्लेट पे प्लेट उड़ाई जा रही है। एक लो, दो लो, चार लो, छह लो, लगातार काम। माहौल बहुत शानदार है, स्वाद बहुत जानदार है। लोकेशन बहुत ईजी है यार, गूगल पे लिखो दत्ताराम जी के छोले कुलचे, सुबह 10 से 4 बजे तक मिलेंगे शालीमार बाग में। और नज़ारा है भाई, नज़ारा ये देखो।